तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, नहीं तो घरे आके चेक करेंगे फोन, लाइक नहीं देखे ना तो बुझा रहना क्या करेंगे, तो लाइक कर देना। चलो वीडियो देखो अभी। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रिकंडो गेमिंग में। आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट के बाद में फाइनली मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इनिशियल स्टेज में चाहे कोई बंदा गेमर हो और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो इनिशियल स्टेज पे आईपैड से आईफोन वगैरह नहीं खरीद सकता। तो उन बंदों के लिए मैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स लेके आया हूँ जो कि अंडर 15,000 आपको इजीली मिल जाएंगे और उनके साथ एक्सट्रीम या फिर अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मार कर ही जाना। तो गाइस नंबर 5 पर आता है पोको M4 Pro, जिसके अंदर 6 nm MediaTek Dimensity 810 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओसम है। अगर BGMI की बात करें तो उसके अंदर आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो और HD प्लस हाई तक खेल सकते हो। अगर बैटरी की बात करें तो इसके साथ 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि आपको लगभग 5 से 6 घंटे का नॉन स्टॉप BGMI बैकअप दे सकता है। मैंने इसको नंबर 5 पर इसलिए रखा है, 15,000 से काफ़ी नीचे आ जाता है। इसके कैमरे की बात करें तो 50 MP का कैमरा और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है। इसके अंदर आपको फ्लैगशिप चिप मिल जाती है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस देगी। जो सबसे चीपेस्ट वाला है वो 4 GB रैम एंड 64 GB रोम का है। आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जाके देखते हो तो ये 12,999 rupees में आपको मिल जाता है, और अगर आप इसको किसी अदर शॉप से परचेज करते हो तो ये आपको और भी सस्ता मिल सकता है, आपको 12,500 तक भी मिल सकता है। तो नंबर 4 पर आता है IQ का Z6। ये जो मोबाइल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर के साथ, जो काफ़ी अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा है। अगर इसके टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो 240Hz की इसके टच सैम्पलिंग रेट आती है। जो फर्स्ट मॉडल आता है वो आता है 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ, और ये भी सेम 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है जो कि आपको 5 to 6 hours का गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। और अगर मैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चलता है। IQ का जो Z6 स्मार्टफोन है वो आता है 5-layer लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ, जो कि आपके मोबाइल को काफ़ी हद तक कूल रखने में मदद करता है। 8.25 mm के थिकनेस है एंड 186 g इसका वेट है। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो वो आती है 120Hz की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चलती है। अगर इसके स्कोर कंपैरिजन की बात करें तो इसको मिले हैं 410,563 की रेटिंग। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा चलता है। अगर इसके अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर प्राइस की बात करें तो ये लगभग 15,500 rupees में अवेलेबल है, लेकिन आपको काफ़ी सारे ऑफर्स के साथ ये 14,500 या 14,300 तक अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट और नंबर 3 स्मार्टफोन की बात करेंगे वो है वीवो T1। तो ये वाला स्मार्टफोन आता है टर्बो प्रोसेसर के साथ जो है स्नैपड्रैगन का 695 6 nm प्रोसेसर, जो कि सेम 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। लेकिन स्पेशल बात यह है कि ये टर्बो कूलिंग 5-layer लिक्विड कूलिंग के साथ आता है, जो कि आपके मोबाइल को काफ़ी हद तक कूल रखने में मदद करता है। वीवो T1 स्मार्टफोन की जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240Hz की है, लेकिन मेन बात यह है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो सेम 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है। तो गाइज ये स्मार्टफोन भी सेम 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो कि आपको 5 से 6 घंटे का गेमिंग बैकअप दे सकता है। तो गाइज वीवो का जो T1 स्मार्टफोन है वो BGMI के अंदर स्मूथ प्लस अल्ट्रा सपोर्ट करता है एंड HD प्लस हाई सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर भी 60 FPS का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन आपको मिलता है वो मिलता है 14,999 rupees में, और अगर बाहर आप कहीं से परचेज करते हैं तो ये आपको 14,500 तक भी मिल सकता है। तो अगला जो स्मार्टफोन है एंड सेकेंड नंबर का जो स्मार्टफोन है वो है Realme 9। तो गाइज ये जो स्मार्टफोन आता है वो आता है MediaTek के Dimensity 810 प्रोसेसर के साथ, जो कि ओक्टा कोर 2.4 Hz का प्रोसेसर है। इसके अंदर देखने को मिल जाती है फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले। अगर हम इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये आता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये भी सेम 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। ये जो स्मार्टफोन है वो केवल 13,500 rupees में 6 GB रैम एंड 128 GB रोम के साथ अवेलेबल है, और अगर हम इसके BGMI ग्राफिक्स की बात करें तो ये स्मूथ के साथ अल्ट्रा सपोर्ट करता है एंड HD के साथ हाई सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी हमको 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अगले स्मार्टफोन और नंबर 1 स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं, वो है Redmi का Note 10S, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है
और ये BGMI के लिए काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमको देखने को मिलता है स्मूथ प्लस 60 FPS, मीन्स एक्सट्रीम तक हम इसके साथ खेल सकते हैं। तो गाइज अगर हम इस स्मार्टफोन की बात करें तो ये आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ जो कि चार्ज होती है 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। अगर इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर आता है MediaTek Helioi का Z95 प्रोसेसर जो कि अब तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है और यही प्रोसेसर आपको 60 FPS तक प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके डिस्प्ले आती है सुपर एमोल डिस्प्ले और वो आती है कोरिंग की गोरिला ग्रास प्रोटेक्शन के साथ। मैं इस स्मार्टफोन को नंबर वन पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सपोर्ट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देगा। और अगर आप इसका 6GB रैम एंड 128GB रोम वाला वेरिएंट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से खरीदते हो तो वो आप 15,000 रुपये का मिलेगा। और अगर आप इस पर डिस्काउंट अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको लगभग 13,700 रुपये का भी मिल सकता है। तो यही थी आज की वीडियो, होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो ज़रूर डिसलाइक मारिएगा और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक मार के ही जाना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना। हम 100 सब्सक्राइबर के वेरी क्लोज है तो प्लीज़ करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।